सगत हवा महात्म के साथ दिन भर निदान मानसा बुद्ध है समझना चाहिए। ट्रेनिंग इन द साइंस अच्छे क्रम प्रयास करें। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है। सगत हवा का त्यौहार जो हर साल पूरे एक महीना मनाया जाता है बुद्ध के जन्म ज्ञान और महापरिनिर्वाण की याद दिलाता है। ये तिब्बती में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहार है। ऐसा कहा जाता है जब तिब्बती कैलेंडर के चौथे महीना में सागा का तारा आकाश में दिखाई देता है तो तिब्बती बौद्ध के एक वर्ष के सबसे शुभ और महत्वपूर्ण समय का जश्न मनाने लगते हैं। सगत हवा महोत्सव यो महीना भर चलने वाला त्यौहार बुद्ध शाक्यमुनि का सम्मान करता है। शाक्यमुनि बुद्ध इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोदान के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था जो कौलीय वंश से थी। सिद्धार्थ जन्म के 7 दिन बाद निर्धन हुआ। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 29 या 27 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाहोपरांत से एक महाप्रथम नौजवान शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोदरा को त्याग कर संसार के जन्म और मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्ष की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बन गया। इस संसार के दुखों से उठकर परम सुख की ओर ले जाने वाला सत्य मार्ग को दिखाया। अज्ञान मानसा क्रोध घमान ईर्ष्या अग्नि में बिलबिलाते तड़पते हुए हमारे इस दुखों का निवारण किया। भगवान बुद्ध अपना सब कुछ त्याग कर इस संसार से उठकर परम सुख का मार्ग को खोज निकाला। परम ज्ञानी करुणा का सागर बुद्ध है। जागने की शक्ति बुद्ध है। जाकर जिस पथ पर चले वो धर्म है। संसारों ने इसे बुद्धिस्ट का नाम दिया और हम बुद्धिस्ट इस सगत हवा त्यौहार को धार्मिक त्यौहार मानते हैं। सगत हवा के महीने को समझने से पहले भगवान बुद्ध की कहानी से जुड़े हुए 12 महान गतिविधियों को समझना चाहिए। जैसे पहला डिसेंडिंग फ्रॉम तुषिता हेवन एंटरिंग इनटू हिज मदर्स होम बर्थ इन द गार्डन ऑफ लुम्बिनी ट्रेनिंग इन द साइंस अचीवमेंट इन स्पोर्ट कंपटीशन एंजॉयिंग द लाइफ ऑफ अ प्रिंस renouncing the life of a prince, practicing austerity for 6 years, then renouncing that, obtaining victory over the Maras, enlightenment under the Bodhi tree, turning the wheel of Dharma and passing into Parinirvana. इनमें से तीन महान गतिविधियां इस सगत हवा के महीने में होते हैं। इस सगत हवा के 15वां दिन में भगवान बुद्ध इस संसार में जन्म हुआ और इसी दिन में परम ज्ञान को प्राप्ति हुआ। फिर इसी सगत हवा के महीने में महापरिनिर्वाणों को प्राप्त हुआ। इसलिए इसी चौथे महीने यानी सगत हवा को धार्मिक त्यौहार मानते हैं। यो मानते हैं कि इस अवधि के दौरान अच्छे क्रम और प्रार्थनाएं हजारों गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए इसे भूमजुर दवा भी कहते हैं। भूमजुर का अर्थ है लाखों हो जाना, दवा यानी महीना। लोग सामान्य से अधिक दयालु होते हैं, बुद्ध के मठ पे जाकर प्रार्थना करते हैं और जरूरतमंद लोगों को भिक्षा देते हैं, जानवरों को मारने से परहेज करते हैं और पकड़े हुए जानवरों को आज़ाद करते हैं। ऐसे कई अनगिनत अच्छे काम करते हैं। हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम सब बुद्ध के महान गतिविधियों को समझे और उनकी वाणी को अपनी जिंदगी में प्रयास करें। इस धार्मिक त्यौहार पर बुद्ध की कहानी या महान गतिविधियों को हम सब मिलकर नाटक के रूपों में या वाणी के रूपों में सबको सुनाइए और जानना चाहिए। बुद्ध कहते हैं सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय ना करना और दूसरी इसकी शुरुआत ही ना करना।